आजकल आप एक मेडिसिन के बारे में ये बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, वो है इन्फ्लुएंजिनम। इन्फ्लुएंजिनम जो कि जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं उनमें इसका उपयोग किया जा रहा है। लोसोड ग्रुप की ये मेडिसिन है इन्फ्लुएंजिनम जो है। लोसोड ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें जो मेडिसिन बनाई जाती है वो डिजीज प्रोडक्ट से बनाई जाती है, यानी कि जो डिजीज का सिक्रीशन होता है उससे ये मेडिसिन तैयार किया जाता है, लोसोड ग्रुप की मेडिसिन। और लोसोड ग्रुप की मेडिसिन हमेशा यूज़ किया गया है इसको किसी भी बीमारी की टेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे किसी को बार बार कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, यानी कि मौसम चेंज होता है और तुरंत कोल्ड अफेक्ट करता है। किन्हीं को बार बार किडनी में स्टोन की समस्या हो जाती है, यानी कि एक स्टोन निकलता है दूसरा बनने लगता है, ये यहाँ पे ये टेंडेंसी होती है। तो हमेशा जितने भी नोसोड है होम्योपैथी में उसका खासकर उपयोग किया जाता है कि बीमारी की जो टेंडेंसी होती है उस टेंडेंसी को खत्म करने में। तो आज का वीडियो पूरा इसी पे रहेगा कि इन्फ्लुएंजिनम का उपयोग हम किस कंडीशन में कर सकते हैं और ये कैसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर क्लार्क ने इस मेडिसिन के बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट दिए हैं जिसपे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जानते हैं कि डिजीज का कॉन्सेप्ट, यानी कि हैनीमैन के अकॉर्डिंग डिजीज का कॉन्सेप्ट क्या है। डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि जब हम बीमार तब पड़ते हैं जब हमारी बॉडी का जो वाइटल फोर्स होता है वो अफेक्टेड होता है, यानी कि जो बॉडी का फोर्स होता है वो जब अफेक्टेड होता है देन हम वहाँ पे बीमार पड़ जाते हैं, हम वहाँ पे डिजीज से सफर करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वायर है, ये बिजली का तार है, ये तार किसी काम का नहीं, ऐसे अगर आपको इसको फेंक दो तो किसी काम का नहीं, लेकिन अगर आप इसमें करंट देते हैं, इस वायर में आप करंट जब देते हैं तब तो ये वायर किसी काम का होता है, यानी कि ये वायर आपको बल्ब जलाने में या आपको फैन को ऑन करने में, फैन को रन कराने में इस वायर की भूमिका होती है। लेकिन इस वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक नहीं दिया जाए, करंट नहीं दिया जाए तो ये वायर किसी काम का नहीं। उसी तरह हमारा बॉडी जो होता है, हमारी बॉडी में एक ऐसा फोर्स है जो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करने का काम करता है, अगर वो फोर्स नहीं हो तो हमारे बॉडी किसी काम का नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं कि एक सेल को, जो हमारे सेल जो यूनिट बोला जाता है लाइफ की, सेल को लैब में बनाया जा सकता है, किसी भी लेबोरेटरी में सेल बनाया जा सकता है, लेकिन उस सेल में जान नहीं डाला जा सकता, उस सेल में एक एनर्जी नहीं डाली जा सकती जिससे वो फंक्शन कर सकता हो। उसी तरह हमारी बॉडी में भी आप, अगर ये बॉडी मटेरियल ढांचा है ये, अगर इसके अंदर से जो फोर्स निकल जाए तो हमारी बॉडी का कोई वहाँ पे रोल नहीं होता और हम वहाँ पे डेड यानी कि मरे हुए बोले जाते हैं, यानी कि हमारा बॉडी का फंक्शन अब खत्म हो चुका है। तो डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि वाइटल फोर्स जब डिस्टर्ब होता है देन हम बीमार पड़ते हैं, और जब वाइटल फोर्स हार्मोनियस कंडीशन में होता है, हार्मोनियस यानी कि एक लय में होता है, जैसे बोलते हैं सारे गामा पाधानी सब बोलते हैं कि वो एक लय में है, वो एक लय में चलता है, इसलिए बॉडी वहाँ पे नॉर्मल रहता है। सो इस कॉन्सेप्ट से ये क्लियर होता है कि हम बीमार तभी पड़ते हैं जब हमारी बॉडी का फोर्स अफेक्टेड होता है। और आपने जब होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या करती है, आपको इस ये टू मटेरियल बॉडी है, यानी कि इसको अगर मटेरियल मानते हैं तो ये मटेरियल बॉडी है और इसके अंदर फोर्स में डिस्टर्बेंस आई है। एक और डॉक्टर हैनीमैन ने एक बात कही थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेटेंसी की बात, डॉक्ट्रिन ऑफ लेटेंसी जिसको स्टुअर्ट क्लोज ने काफी इसको एक्सप्लेन किया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेटेंसी का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस, ये पॉल्यूशन है, ये हमारे बॉडी में रहते हैं लेकिन ये तब तक ये एक्सप्रेशन में नहीं आते, तब तक ये प्रभाव में नहीं आते जब तक इनको कोई एक्साइटिंग फैक्टर नहीं मिलता है। तो हम बीमार तभी पड़ते हैं, जैसे आपने गौर किया होगा कि 10 लोग होते हैं लेकिन ठंड का प्रभाव किसी एक को पड़ता है, क्योंकि वो उसके प्रति ससेप्टेबल होता है, वो उस ठंड को तुरंत कैच करता है क्योंकि उसके अंदर जो सोनिक टेंडेंसी है और ठंड को कैच करने की प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाती है। तो इसको डॉक्टर हैनीमैन ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेटेंसी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, जिसको उस समय काफ़ी नेग्लेक्ट किया गया था, जब हैनीमैन के टाइम में काफ़ी नेग्लेक्ट किया गया था। जैसे इस वायरल कंडीशन का एग्जाम्पल लेते हैं, इस वायरल कंडीशन में सब बीमार नहीं हो रहा, अगर 100 में से आप देख रहे हैं अगर रेशियो निकाल रहे हैं तो उसमें से 10 बीमार पड़ रहे हैं, 90 जो हैं वो पूर्ण रूप से वहाँ पे ठीक हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि उस बीमारी के प्रति आप ससेप्टेबल नहीं हैं, आपके अंदर वो टेंडेंसी नहीं है उस बीमारी को कैच करने की, आपकी बॉडी का जो सेल है वो आपका जो इसको इम्यून सिस्टम आप बोलते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वहाँ पे सही है, आपका जो सेल है उस वायरस को अपना होस्ट नहीं बनने दे रहा, वो वायरस आपकी बॉडी के सेल को होस्ट नहीं बना रहा, इसलिए आप यहाँ पे बीमार नहीं पड़ते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे उस समय एक एग्जांपल दिया गया था कि जैसे कोरोना, कोरोना बहुत महामारी के रूप में उस समय फैली थी, तो कोरोना पे जब ये जांच किया गया, इसको चेक किया गया, जब डॉक्ट्रिन ऑफ लेटेंसी की जब बात आई तो उसको यहाँ पे क्लियर करने के लिए टेस्ट किया गया, 10 लोगों को वहाँ पे जो कोरोना का जो बैक्टीरिया है उसको इंजेक्ट किया गया उनके बॉडी में। अब देखा गया कौन कौन बीमार पड़ते हैं, तो देखा गया कि 10 में से कोई 1% जो था उसको वहाँ पे कोरोना के वहाँ पे लक्षण आने लगे, लेकिन बाकी जो 9 थे वो वहाँ पे नॉर्मल थे।
वो क्यों थे? क्योंकि उनके अंदर इस बीमारी को कैच करने की ससेप्टेबिलिटी नहीं है, उनकी बॉडी का वाइटल फोर्स सही है, उनके बॉडी की इम्यून सिस्टम सही है, जिसको आप इम्यून सिस्टम बोलते हैं, यानी कि वो एक फोर्स है जो कि नॉर्मल अवस्था में है, नॉर्मल फंक्शन में है, और आप यहाँ पे बीमार नहीं पड़ते हैं, आप नॉर्मल लाइफ सर्वाइव करते हैं, चाहे कैसी भी महामारी होती है, कैसी भी एपिडेमिक आती है, लेकिन आपको उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। खासकर जो इन्फ्लुएंजिनम का जो प्रयोग होता है, कोई भी जैसे कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, कोल्ड आपको लगता है तो क्या होगा आपको, यहाँ पे कुराइजा, कंजक्टिवाइटिस, आपकी आंखें लाल हो जाती है, नाक से पानी निकलने लगता है, और गर्दन में दर्द, आपको बॉडी एक फीवर, ये कॉमन सिम्टम हमेशा किसी भी वायरल कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो इन्फ्लुएंजिनम का काम क्या होता है कि इस वायरल की टेंडेंसी को खत्म करता है, इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम को भी, यानी कि ये जो सिम्टम है उसको भी खत्म करने में इसकी अहम भूमिका देखी जाती है। एक यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि ये इन्फ्लुएंजा का प्रयोग उस कंडीशन में आप कर सकते हैं कि जो फीवर, यानी कि आपने बहुत दवा दिया लेकिन फीवर जा नहीं रहा, बुखार खत्म नहीं हो रहा, आप होम्योपैथिक दवा लिए हैं लेकिन बुखार खत्म नहीं हो रहा, उस समय अगर आप इन्फ्लुएंजा का वहाँ प्रयोग करते हैं तो वो उस बुखार को खत्म करने में, उस फीवर कंडीशन को खत्म करने में इसकी अहम भूमिका देखी जाती है, और प्रैक्टिकली मैंने इसके रिजल्ट काफी देखे हैं। डॉक्टर क्लार्क कहते हैं, द जनरल डायरेक्शन आई गिव टू माई पेशेंट आर दीज, वेन कोल्ड अपीयर इन अ फैमिली, लेट ऑल दोज हु आर अनअफेक्टेड टेक इन आर्सेनिक। यहाँ बोला जाता है कि जैसे एक घर में कोल्ड की समस्या, किसी एक को कोल्ड की समस्या हुई है तो, और बाकी वहाँ पे असिम्टोमेटिक है, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको बोला है उन्होंने आर्सेनिक लेने के लिए, यहाँ पे ये कोट लिखा हुआ है, उनको बोला है आर्सेनिक लेने के लिए जिनको सिम्टम नहीं है, मतलब जो बीमार नहीं हुए उनको बोला है कि आर्सेनिक वहाँ पे लेने के लिए, और जब बीमार पड़ गया है, यानी कि जो इस फ्लू की चपेट में आ गया है, उसको बोला है इन्फ्लुएंजिनम लेने के लिए। तो ये काफ़ी इन्होंने इसको डिफ्रेंशिएट करने का काम किया है कि इन्फ्लुएंजिनम जब आप बीमार पड़ जाते हैं, यानी कि जब आप उस फ्लू की चपेट में आ जाते हैं, तब उसका प्रयोग करना है, आर्सेनिक आप एज अ प्रिवेंटिव के तौर पे यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर क्लार्क भी कह रहे हैं, और यहाँ पे जो जितने सर्वे हो रहे हैं वो भी यहाँ पे उस रिजल्ट को वही फोकस कर रहे हैं। डॉक्टर क्लार्क के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन का प्रयोग आपको 30 डेज में करना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको फीवर है, फीवर आपका छूट नहीं रहा, तो आप इस डॉक्टर से मिलें, जो आपके नज़दीकी जो होम्योपैथी डॉक्टर है वहाँ पे जाएं, वो जो आपको वहाँ पे सलाह देते हैं उसको फॉलो करें। डॉक्टर क्लार्क के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन का प्रयोग आपको 30 डेज में करना है, जो वहाँ पे इफेक्टिव साबित होती है, और यहाँ जो कोविड जो पॉजिटिव केसेज हैं उसमें भी इस मेडिसिन का प्रयोग हो रहा है, और काफ़ी उसके अच्छे रिजल्ट देखे जा रहे हैं। सो ये वीडियो यहीं तक, इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।